भटकल अंकल के लॉकर से सिर्फ यही मिला, ना कोई नोट ना कोई इंस्ट्रक्शन, कुछ तो छोड़ा होगा उन्होंने। लॉकर में जो कुछ भी था उसके अलावा कुछ छोड़ा था भटकल अंकल ने? कोई इंस्ट्रक्शन, कोई मैसेज या कोई नोट या कुछ और भी? उसमें कोई मैसेज तो नहीं था, बट उन्होंने एक अपनी विल छोड़ी थी रिटर्न में। कहीं इस रिडल का जवाब भटकल अंकल की विल में तो नहीं? ये वर्ड्स, इस डॉक्यूमेंट में कुछ लेटर्स बोल्ड हैं और कुछ कैपिटल। ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं होती हैं। पापा, आपने मुझे सिखाया था कि कैसे इस तरीके से सीक्रेट मैसेजेस को पास ऑन किया जाता था। NFIMETAL नफी मेटल, नहीं, इन लाइंस का कोई सेंस नहीं बन रहा है। एक बार विल को फिर से पढ़ता हूं। Best wishes to my most favorite father and son duo, Amal and Veer. Let's thank our stars that gods are with us and that we are born on this planet Earth and not on Venus. धन्यवाद ईश्वर का कि हम पृथ्वी पर पैदा हुए, ना कि शुक्र पर। ये लाइन लास्ट में ऐसे ही नहीं ऐड की होगी भटकल अंकल ने। जरूर इसके पीछे कोई हिडन मतलब होगा, कोई मैसेज छुपा होगा इसमें। क्या आपको याद है पापा, आपने मुझसे कहा है कि जवाब हमेशा सवाल में छुपे होते हैं। We are born on this earth and not on Venus. हम शुक्र पर नहीं हैं तो फिर कौन है? धरती पर हम इंसान हैं, तो शुक्र पर असुर। असुर नहीं, असुर नहीं बैठ रहा है, एलियंस ही असुर हैं और असुर ही एलियंस। असुर ही एलियंस हैं। एलियन पापा, एलियन। भटकल अंकल की विल में ही था इसका आंसर। पक्का यकीन है तुम्हें? आई एम 100% श्योर पापा, और कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार फिर सोच लो। ट्रस्ट मी पापा। चल बेटा वीर, बन जा तीर।
आए। अल्टीमेटली आपका सिखाया हुआ ही काम आया। आपने तो दुनिया को पहली बार बताया था कि एलियंस असली में होते और वो वीनस में रहते हैं। आपको पता है पापा, अब तो वो पृथ्वी पर भी आ गए हैं। आप बिल्कुल सही थे पापा, मैंने खुद एलियंस को देखा है। क्या? अरे मैंने क्या, पूरी दुनिया ने एलियंस को देखा है पापा। अब तो आप कहते थे ना कि एलियंस असुर हैं, पर असुर की तरह तो वो बिल्कुल नहीं लगते। मुझे कुछ ज्यादा ही पता चल गया है हमारे बारे में। खैर वीर नंदा, तूने दंश का काम कर दिया, मतलब तेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अब तेरा जीवित रहना व्यर्थ है। पापा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। And I'm sure कि वो आपकी अब तक की findings में से सबसे बड़ा milestone होगा। Wait, हाँ, आप देखना मत। आपके लिए मेरी magic ring से अच्छा welcome gift तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। We'll be right back.
हेलो अमल, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो उसके दो मतलब हैं। पहला कि तुम वापस आ गए हो, वेलकम वेलकम बैक सन। दूसरा ये कि तुम्हें वेलकम बैक करने के लिए मैं वहां नहीं हूं। अमल, तुम जानते हो ना मैं बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैजिक रिंग तुम्हें मिल चुकी होगी। अमल, मेरी तबीयत तो आजकल कुछ ठीक नहीं रहती, याददाश्त भी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब शायद आईने में देख के मैं खुद को भी ना पहचान पाऊं। इसलिए अच्छा है कि तुम मुझे इस तरह देख रहे हो। इससे पहले कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाए, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। वो तोहफा जो बहुत जरूरी है। दो चीजें हैं उसमें जो रिंग को पाने के लिए तुम्हें काम आएंगी। इस पेन ड्राइव में मेरा ये वीडियो मैसेज तो है ही, लेकिन इसके अलावा तो बहुत जरूरी चीजें हैं। और ये जानना जरूरी है कि इस बड़े कोडेड बॉक्स के अंदर एक छोटा कोडेड बॉक्स भी है। और उस छोटे कोडेड बॉक्स में इसमें एक डिवाइस है, द रिंग ट्रैकर। बरसों की मेहनत और रिसर्च के बाद बना है रिंग ट्रैकर। जैसे ही रिंग ट्रैकर एक्टिवेट होगा तो जो भी उस रिंग को पहनेगा ये उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेगा। इस रिंग ट्रैकर पर सिर्फ दो लोगों का हक है, तुम्हारा और वीर का। अमल, तुम्हें याद है बचपन में तुमने वीर को क्या क्या सिखाया था? तुम दोनों के बीच जो बाप बेटे की केमिस्ट्री थी, एक इक्वेशन थी, कमाल की थी। वो वीर को जरूरत पड़ेगी उन चीजों की जो तुमने उसे सिखाई थी इस छोटे कूड़े बॉक्स को खोलने के लिए। और हाँ अमल, एक बात का ध्यान रखना, बड़े कोडेड बॉक्स की तरह ये छोटा कोडेड बॉक्स भी अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर सकता है अगर गलत पासवर्ड डाला गया तो। सो बी केयरफुल, ध्यान रखना कि तुम्हारे पास एक ही मौका है, जस्ट वन चांस। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो अमल, कि मैंने इसे इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया। उसकी एक वजह थी, आई वॉन्टेड टू बी श्योर कि ये कहीं गलत हाथों में ना चला जाए। अगर गलत हाथों में चला जाए तो ये दुनिया को तबाह भी कर सकता है। आई एम श्योर कि तुम इस रिडल को सॉल्व कर लोगे। ऑल द बेस्ट। भटकल को मैंने मार दिया, अमल नंदा गायब है और वीर नंदा। मरने में 7 मिनट बचे हैं। डरो मत जारा, बताओ तुमने पोस्ट डाला था ना, तो फिर तुम हीरो से मिली या नहीं? क्यों, वो मेरा पर्सनल मैटर है। कम ऑन, हम कोस्टार्स हैं और फ्रेंड्स भी हैं आई गेस। इतना तो शेयर कर ही सकती है मेरे साथ। हीरो है तो इंटरेस्टिंग, मिलना तो चाहती होगी उससे। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, यू नो। और वो तुमसे मिलना क्यों नहीं जाएगा? यू आर द सुपर ब्यूटीफुल एंड सुपर हॉट ज़ारा। ओके प्लीज,
आई डोंट नो कि तुम ये सब सीधा पॉइंट पे आता हूँ फिर कल मिली थी हीरो से या नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं यू आर हाईली मिस्टेकन रॉकी मुझे जाना है आई गॉट टू गो बाय ये नहीं थी तो कौन था फिर नहीं हेलो माना टेंटिकल्स मारते ही क्या जवाब दूंगा उसको श्योर था कि वो लड़की से आ रहा है मना कर रही है क्या हो रहा है यहां पे है? क्या ड्रामा कंपनी चल रही है क्या शूट क्यों नहीं हो रहा है नहीं मेरे डैड के पैसे वेस्ट करने का शौक है क्या स्टंट सीन है सर वीर अभी आते ही होंगे वीर अच्छा मतलब वीर के बिना शूटिंग नहीं होगी यहाँ पे मेरा स्टंट है मैं खुद करूंगा लाओ हार्नेस लाओ कम ऑन मैं स्टंट करूंगा बाबा स्टंट डायरेक्टर अलाउड नहीं करेंगे स्टंट मैन का होना जरूरी है वीर सर अभी आते ही होंगे क्या बोला बोल वीर सर अभी आते होंगे हैं वीर सर कब से हो गया नहीं और रॉकी को रूल सिखाएगा तू इंडस्ट्री में काम करना है कि नहीं करना है नहीं रॉकी से पंगा लेके वीर बचाएगा नहीं अब वो हीरो बचाएगा सुनो एक ही हीरो है यहाँ पे क्या नाम है बाबा रॉकी बाबा क्या नाम है रॉकी बाबा अपने हीरो को बोल देना हिम्मत है तो सामने आए चलो गेट बैक टू वर्क कम ऑन लूजर्स ये हीरो को लेकर इतना ऑब्सेस क्यों हो रहा है चल कह रहा है
साथ उनकी जान भी ले ली थी। अब ये यंत्र तेरी यादें मुझे दिखा के तुझे भी खत्म कर देगा वीर नंदा। अरे पर तू तो अधमरा है। अब मेरे पास उतना ही वक्त है जितने वक्त में मैं तेरी यादें तुझसे निचोड़ सकूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.